أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز طلباء، آج ہم علامہ اقبال کے جس موضوع کو پڑھ رہے ہیں وہ ہے علامہ اقبال کا موضوع مسئلہ جبر و اختیار. جبر و اختیار نہیں بلکہ مسئلہ خیر و شر. جبر و اختیار کل پڑھیں گے انشاءاللہ، آج ہم پڑھ رہے ہیں علامہ اقبال کا مسئلہ خیر و شر. خیر کیا ہے؟ خیر معنی بھلائی، اچھائی، امن، خوشحالی، نیکی. شر کیا ہے؟ بدی، برائی. خیر کا متضاد. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں علامہ اقبال کے اس فلسفیانہ فکر کے بارے میں کہ وہ کائنات میں خیر و شر کو کس طرح دیکھتے ہیں. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ خیر ہی شر کے اوپر غالب آ کر رہتا ہے. تو یہ خیر و شر کا مسئلہ قدماء نے اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ہمارے قدیم لوگوں میں اشعار لوگ گزرے ہیں، خلفائے عباسی کے دور میں معتزلہ گزرے ہیں، امام محمد زکریہ رازی گزرے ہیں، انہوں نے اپنے خیالات کا اس پر اظہار کیا. اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں خیر زیادہ ہے اور شر کم ہے. خیر اس طرح کہ خوشی اور مسرت زیادہ ہے. ارد گرد اگر نگاہ دوڑائیں تو بیمار لوگ کم ہیں، صحت یاب لوگ زیادہ ہیں، تو بھوکے لوگ کم ہیں، اور جن کو روٹی ملتی ہے پیٹ بھر کر کھاتے ہیں وہ بھوکوں سے زیادہ ہے. تو اس طرح خیر بنسبت شر کے زیادہ ہے. خیر و شر کے مکتبہ فکر کے فلسفہ میں رازی کا ہم یہاں پہ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. وہ اس نقطہ نظر سے بالکل برعکس ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ خیر زیادہ ہے، شر کم ہے، اور اچھائی زیادہ ہے، رنج اور غم کم ہے. تو وہ بالکل الگ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف شر ہی شر ہے، دنیا میں صرف شر ہی شر ہے، خیر یہاں پر نہیں ہے. اگر کسی وقت کسی کو کوئی نصرت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اصل میں شر کے اوپر غلبہ پانے کے بعد ہی آدمی کو حاصل ہوتی ہے، تب جا کے اسے نصرت اور سکون حاصل ہوتا ہے. مثلاً اس کے نزدیک بھوک ایک اٹل حقیقت ہے، بھوک ایک شر ہے. اور جب بھوک کو خوراک سے آدمی مٹا لیتا ہے تو وہ شر سے عارضی طور پر نجات حاصل کر لیتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خوشی اور راحت محسوس کرتا ہے. بنیادی طور پر کائنات میں، اس کے قلب میں، اس کے مرکز میں صرف شر ہی شر ہے. یعنی جو بھی چیز یہاں پہ وجود رکھتی ہے وہ شر ہی شر ہے، خیر نہیں ہے. تو
यहाँ पर दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है, रंज और अलम है। दुनिया दुखों का घर है, मुस्तकिल अमराज है, कुछ कमजोर है, कुछ जो है ज्यादा जो है ना जी तकलीफ पहुंचाने वाले अमराज हैं। इंसान हर वक्त गौर व फिक्र में, चिंतू में घिरा रहता है, खौफ है उसे, खौफ में घिरा रहता है, अंदेशों में घिरा रहता है, गुस्सा उसे किसी वक्त आता है, निदामत उसे कई वक्त छा जाती है उस पर, रोजी और कारोबार के मसाइल में वो घिरा रहता है। तो हर वक्त ये फिक्र बुनियादी तौर पर शर ही शर उसकी जिंदगी को घेरे रखते हैं। बहुत सी नागवार चीजें हैं, बदबूदार चीजें हैं, ये मच्छर की तकलीफ है, खटबलू की तकलीफ है, और जो दरिंदों के काटने, सांप वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, हर तरफ हमारे शर ही शर बिखरा हुआ है। अगर हम किसी वक्त इनके ऊपर काबू पा लेते हैं तो फिर हमें कुछ थोड़ी देर के लिए खुशी या मुसरत हासिल होती है, बसूरत दीगर हमारे इर्द गिर्द हर तरफ शर ही शर है, दर्द व गम है, रंज है, हुजन है, इब्तला है, मुसीबतें हैं, आजमाइशें हैं, और हम इन आजमाइशों के अंदर घिरे हुए होते हैं। तो ये मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी का नज़रिया है, और इन शरों के ऊपर, शर कुवतों के ऊपर आदमी गलबा हासिल करने के लिए अपना खानदान बनाता है, अपना कबीला बनाता है, अपनी कौम बनाता है, मुतालिया करता है, और मुख्तलिफ इजादात करता है, साइंस की चीज़ें बनाता है, ताकि अपने आप को राहत पहुँचाए, इन शर की कुवतों से निजात हासिल करे। ये सारी शर की कुवतों के ऊपर गलबा पाने के लिए सारी सियासी इजादात हैं, ये जो है उन कुवतों को शिकस्त देने के हरबे हैं जो हर तरफ हमें हर वक्त घेरे रखते हैं। ये मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी का जो है वो नुक्ता नज़र है, ये इस्लाम के बड़े फिलासफरों में उनका शुमार है। तो मुतज़िला और अशारा ये खुलफ़ाए अब्बासी के दौर में फिलासफरों के तबके होते थे, और उनमें मुतज़िलीन ने ये कहा कि ये जो दीन है, मुतज़िलीन ने ये कहा कि ये जो दीन है हमारा, ये हमें सिर्फ हुक्म देता है कि फिलहाल चीज़ को आप करें, फिलहाल चीज़ को आप ना करें, यानी दीन हमारी राहबरी कर देता है, जिस चीज़ से रोकता है हम रुक जाते हैं, जिस चीज़ की इजाज़त देता है हम उसकी तरफ चल पड़ते हैं। जिसको दीन कहता है ये नेकी है, उसको हम नेकी मान लेते हैं, जिसको कहता है ये बुराई है, हम उसको बुराई मान लेते हैं। लेकिन बात यह है कि इससे मावरा भी एक हमारे पास अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी है जिसको अकल कहते हैं, तो अकल की म्यार के ऊपर हम चीज़ों को नहीं परखते, हमें अकल की म्यार के ऊपर चीज़ों को परखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे जन जीवन हमारे लिए शर है, और कौन सी चीज़ हमारे लिए खैर है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ कमतर है, कौन सी चीज़ बेशतर है। ये अकल अल्लाह ताला ने हमें इनायत की है, और हमें इसको बरूएकार लाना चाहिए। मुतज़िलीन का फिरका अशारा के नज़दीक काबिले इताब ठहरा और उनको मारा गया। अकल के ऊपर सोचने की जो रविश पैदा की थी मुतज़िलीन ने, उनको मातूब ठहराया गया और उनको सजाएं दी गई, बल्कि उनका खात्मा किया गया। इस किस्म का दौर भी गुजरा है। लेकिन अलावा इकबाल भी बजाते खुद अकल को एक अहम चीज़ तस्वर करते हैं, और उससे रहनुमाई हासिल करना ये भी मशीयत एज़दी ही इसे शुमार करते हैं कि अल्लाह ने जब अकल दी है तो इसको बरूएकार लाना चाहिए, क्योंकि कुरान में खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि अफला यतफक्करून, बस तुम फिक्र क्यों नहीं करते हैं, इर्द गिर्द तुम्हारे जो कायनात है उस पर तुम फिक्र करो। अब जो चीज़ें बाकायदा तौर पर दीन ने मनहियात में शामिल की है उनसे तो रुक जाना चाहिए, और जो चीज़ें मनहियात में नहीं हैं और उनकी हैसियत एक न्यूट्रल जो है
वो चीज की रह जाती है, तो उसके बारे में अकल को मियार बनाना चाहिए। अलामा इकबाल इस चीज के कायल है। तो अलामा इकबाल ये कहते हैं कि इस कायनात में बजात खुद ना नेकी है और ना बदी है। उसकी मिसाल वो एक फूल से देते हैं, एक टहनी से देते हैं, एक जो है ना जी शजर से देते हैं। वो कहते हैं कि देखें, फूल है और कांटा है, शजर के ऊपर दोनों मौजूद हैं। फूल खिलता है चंद दिन के लिए, और उसके बाद जब वो जवान हो जाता है फूल, तो उसके बाद फौरन मर जाता है। जबकि कांटा जो है वो देर तक जिंदा रहता है, और वो बूढ़ा भी हो जाए और वो सूख भी जाए, फिर भी वो कांटा रहता है। कांटे को वो बुराई तसव्वुर करता है, बुराई का मजहर, बुराई का नुमाइंदा। फूल को वो अच्छाई और खैर का नुमाइंदा तसव्वुर करता है। तो शायर अल्लामा इकबाल के नज़दीक बाकी रहने वाला है, और खैर जो है वो चंद रोज़ा आर्जी है। लिहाजा अल्लामा इकबाल सिर्फ ये नज़रिया यहाँ पे पेश करके रुक नहीं जाते, बल्कि वो एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो सलाहियत वदियत की है, उन सलाहियतों से काम लेकर इंसान को अपनी खुदी को पुख्ता करना चाहिए। खुदी को कैसे पुख्ता किया जाता है? खुदी को अपने आप को खतरात में डालकर, शर का मुकाबला करके, शर को मिटा कर खैर को दुनिया में फैलाया जाए। यानी अगर कांटे हैं तो उनको मिटाया जाए, अगर दुख है तो उनको मिटाया जाए, मसायब है तो उनका मुकाबला किया जाए, खतरे में अपनी जान को डाला जाए, तब जाके सुकून और करार इंसान को नसीब होता है, और शर से ही खैर जो है वो बरामद होता है। इकबाल कहते हैं अगर हम टहनी के ऊपर गौर करें, तो टहनी जब इस पे फूल नहीं उगा हुआ, जब इस पे कांटा नहीं उगा हुआ, अभी तक वो कोंपल है, तो कोंपल में ना तो फूल नजर आता है, ना ही जो है कांटा नजर आता है, और बीज भी इसी तरह है, किसी चीज के बीज में ना फूल नजर आ रहा है, ना कोई कांटा नजर आ रहा है। तो कायनात कहता है इसी तरह है, कायनात में बुनियादी तौर पर ना शर है ना उसमें खैर है, वो एक न्यूट्रल चीज है, एक जो है दरमियानी चीज है। अब हालात और वाकयात ऐसे होते हैं अमल से, तारुक से, कि उसमें शर भी जहूर पजीर हो जाता है, खैर भी जहूर पजीर हो जाता है। खैर वो आर्जी है, शर जो है वो ज्यादा सख्त जहाँ है। लिहाजा सख्त जहाँ चीज का, शर का मुकाबला इंसान को अपनी सलाहियतों से करना चाहिए। इंसान जो है यहाँ इबादत के लिए पैदा किया गया, लेकिन अल्लाह ताला की मंशा और उसकी मर्जी और उसकी रजा को भी यहाँ पे इस दुनिया पे लागू करने के लिए भी उसका मनसब उसे इंसान को खलीफा का अता किया गया। सिर्फ जो है इबादत तक वो महदूद ना रह जाए, इबादत के लिए तो फरिश्ते काफी थे, फरिश्ते तो पहले से इबादत कर रहे थे। वो तो ना सोचते हैं, ना ही कोई तख्लीक करते हैं, ना ही तस्खीर करते हैं, ना ही कोई वो सांसी इजादात करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। जहाँ तक उनको बनाया गया है, जहाँ तक उनको इज्जत दिया गया है, इजाज़त दे दी गई है, वो सिर्फ वहीं तक अपने आप को महदूद रखते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने अख्तियार दिया है जबर से थोड़ा सा हटकर उसको खुद सोचने, खुद अपनी सलाहियतों को निखारने का अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया है। तो इकबाल के नज़दीक उनको बरूए कार लाना चाहिए। और इस हवाले से अल्लामा इकबाल फिर ये कहते हैं कि मकाम परवर से आहो नाला है ये चमन, ना सैर गुल के लिए है ना आशियों के लिए। और जगह कहते हैं कि ये हरन एक दूसरे से, सहरा के हरन एक दूसरे से खिताब करते हैं कि मुझे जो है सयाद से डर है, हर वक्त खौफ और अंदेशा रहता है। तो दूसरा उसे ये कहता है, अमां अज फितना है सयाद खाहम, मैं शिकारी से अमन चाहता हूँ, उसके फितने से महफूज रहना चाहता हूँ। दिले से अंदेशा हा आज़ाद खाहम, मैं अपने दिल को अंदेशों से, खौफ से, फिक्र से आज़ाद जो है वो देखना चाहता हूँ। अब हरम बेचारे सहारा में जो खड़े रहते हैं, तो वो हर वक्त इसी खौफ में मुबतला होते हैं, कोई जंगली दरिंदा हमें ना खा जाए, कोई शिकारी आके हमें शिकार ना कर ले, ये उन्हें हर वक्त खौफ रहता है। उसका साथी उसे जवाब देता है, रफीकश गुफ्त ए यार खिरदमंद, उसके दोस्त ने उसे कहा, अकलमंद दोस्त, अगर खा ही हयात
अंदर खतर जी। अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो इस खतरे के अंदर ही अपनी जिंदगी को गुजारो, यानी कश्मकश हयात में रहकर ही अपनी जिंदगी गुजारो। यहाँ दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर खैर ही खैर हो, किसी किस्म का अंदेशा ना हो, किसी किस्म का फितना ना हो, किसी किस्म का जो है वो नुकसान पहुंचाने वाला, जरर पहुंचाने वाला माहौल ना हो। दुनिया में ऐसी कोई पुरअमन जगह नहीं है। दुनिया में ये खतरे, ये शर, ये फसाद, ये दुख, ये रंज, अलम, ये इब्तला, ये फिक्र, ये खौफ हर जगह पे मौजूद है। कोई आइडियल मकाम नहीं है। तो वो उसे दूसरा साथी, इसे ये दाना साथी उसे ये सबक देता है कि ये शिकारी का खौफ भी तुम्हें रहेगा और तुम्हें फिक्र अंदेशे भी रहेंगे। इसी माहौल में रहकर आप अपनी जिंदगी को गुजारें। आइडियल माहौल इस दुनिया में नहीं है। तो दमादम खेश तनरा बर्फसा जन, दमादम खेश तनरा बर्फसा जन, हर वक्त अपने आप को सख्त पत्थर के ऊपर मारते रहो, जिस तरह के तेज को तलवार को सख्त के पत्थर के ऊपर मार कर तेज करते हैं, कटार को तेज करते हैं, छुरियों को तेज करते हैं। तो अपने आप को तेज पत्थर के ऊपर यानी मुश्किल के अंदर डालकर, अपने आप को हमेशा मुश्किल में डालकर जिंदगी गुजारने की रविश अपनाओ। ये तेरे पाक गोहरे तेज तरजी, खतर ताबो तुम्हारा इम्तिहान आस्त, अयारे मुमकिन जिस्मो जान आस्त। जिंदगी में जो खतरनाक सूरत हाल है, ये इंसान की तवानाइयों को, इंसान की हरकत को और इंसान की हिम्मत के लिए इम्तिहान है। और मुमकिन कायनात के इम्कान में अपने जिस्म और रूह को एक जो है मियार की हैसियत से जहाँ पे डालो कि तुम इनके ऊपर जिश्त कुवतों के ऊपर, बुरी कुवतों के ऊपर तुम इनके ऊपर कामयाब होते हो या नहीं होते। अगर तुम बदी के ऊपर, शर के ऊपर कामयाब होते हो तो वो तुम्हारी जिंदगी है और वो ही लहजा ही तुम्हारे लिए खैर का है, अमन का और मुसर्रत का है। वरना यहाँ पे मुसर्रत ढूंढना मुहाल है, मिलना मुहाल है। और इस शेर में अलामा इकबाल अपने उसी जैन जी टहनी वाली बात का जिक्र करते हैं। चे गोयम नुकताए जिश्तो निको चीज, क्या कहूँ के मैं, क्या कहूँ के नुकताए नेकी और बुराई क्या है, बुराई और नेकी का नुकता क्या है, मैं क्या कहूँ। ये दानिशमंदाना नुकता कौन सा है, बात कौन सी है जिसके बारे में मैं कहूँ कि क्या चीज़ नेकी है, क्या चीज़ बुरी है। जबान लर्जात के मानी पेशदार अस्त, मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है मेरी जुबान, कि इसके मानी समझने के लिए बहुत उलझने हैं, पेचदार है ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। बरू अज शाख बीनी खाक खारो गुलरा, बरू अज शाख बीनी खारो गुलरा, तू शाख से बाहर कांटे को और फूल को देखने का आदि है, तू कांटे को और फूल को शाख से बाहर देखने का आदि है। दरून ऊ न गुल पैदा न खारस, शाख के अंदर तो न फूल जाहिर है और न ही उसके अंदर कांटा जाहिर है। ये एक पेचदार फलसफा है, ये एक पेचदार नुक्ता है। तो इकबाल के नजदीक ये फलसफा खैर व शर इस तरह पेचदार है जिस तरह टहनी के अंदर ना फूल जो है वो आदमी को नजर आता है और ना ही कांटा नजर आता है। जब उसे जाहिर तौर पर, बाहरी तौर पर देखे तो बाहर तो कांटा भी नजर आ रहा होता है और फूल भी नजर आ रहा होता है। तो राजी कहते हैं कि ये सारा अकल का कसूर है, ये कसूर अकल का है। अगर इंसान में अकल ना हो तो इंसान को फूल भी नजर ना आए, कांटा भी नजर ना आए। अकल और शऊर ही ना हो तो फिर आदमी को नेकी भी नजर ना आए, आदमी को बुरी चीजें भी नजर ना आए, यानी खैर भी नजर ना आए, शर भी नजर ना आए। क्योंकि इंसान एक आकिल, एक जहीन, एक फतीन मखलूक है। तो ये नेकी और बदी इस जहीन और फतीन मखलूक को नजर आती है। चींटियों के बारे में या दूसरी जो हशरात हैं उनके बारे में, या मछलियां समुद्र के अंदर, या गैल गाय बैल और इस किस्म के दूसरे जानवर हैं उनके सामने नेकी और बदी का तस्वीर क्या है,
क्या उनके बारे में कोई अंदाजा कर सकता है? मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल में वो उनके सामने नेकी और बदी का ऐसा तसव्वुर शायद नहीं है जिस तरह के हम खैर और शर का अपने यहाँ एक तसव्वुर रखते हैं। तो नमूद जिसकी फराज खुदी से हो जमील, जो हो नशेब में पैदा कभी हो ना महबूब। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दुनिया में वो चीज़ खैर है जिससे खुदी को पुख्ता करने में मदद मिलती है, अपनी शनाख्त को, अल्लाह ताला की शनाख्त को पुख्ता करने में मदद मिलती है, खुदा के रसूल को पहचानने में मदद मिलती है, वो जमील है, वो खूबसूरत है, वो नेकी है, वो खैर है, वो भलाई है। जो हो नशेब में पैदा कभी हो ना महबूब, ऐसी चीज, ऐसा अमल जो इंसान को नशेब में ले जाए, खटे में ले जाए, नीचे और पस्ती की तरफ ले जाए, तो वो ना महबूब है, वो कभी है, वो ना खूब है और वो शर है। अल्लामा इकबाल ने बात यहाँ पे ख़त्म कर दी कि जिससे खुद ही पुख्ता हो, यानी खुद को पहचानना, खुदा को पहचानना, खुदा के रसूल को पहचानना, उस हवाले से जो अमल की जाए, अमल किए जाए, वो खैर ही खैर है, वही भलाई है, और जो चीज़ इंसान को पस्ती की तरफ ले जाए, यानी शैतानी अमाल, तो वो खैर नहीं है, वो शर ही शर है, कभी है, काबिल नफरत है, ना खूब है और ना महबूब है, उन्हें पसंद भी नहीं किया जा सकता। इस हवाले से अल्लामा इकबाल बज़ात खुद अल्लाह ताला से भी हम कलाम होते हैं, और अल्लाह ताला ने चूंकि फिक्र की बात की कि तुम अपने फिक्र से काम लो, मेरे अहकामात, अल्लाह ताला के कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे अहकामात तो अटल है, इसमें कोई शक की शुबह की बात नहीं है, मैं जो कुरान आपकी तरफ भेज रहा हूँ तो ये तो ला रैब है, अलमीम जालकल किताब ला रैब फी, इसमें किसी किस्म का धोखा, रेब, फरेब और झूठ नहीं है, ये तो शक इसमें है ही नहीं, ये तो सच ही सच है, मुतलक सच है। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो बेशक सच है, हम तो सच को मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इंसान में सलाहियतें पैदा की है, अकल अता की है, उसको फिक्र के लिए फरमाया है खुद कि ज़मीन के ऊपर सैर करो और मेरी निशानियों को देखो और उसे इबरत पकड़ो, तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला ने इंसान को इरादे के हवाले से अल्लाह ताला को साहिब इरादा बनाया, साहिब इरादा बनाया और उसको जो है ना जी अख्तियार अता किया कि कुछ तुम खुद भी करो, जो मैंने ये तुम्हें बुद्ध दे रहा हूँ, ये अकल दे रहा हूँ, ये आत्मा दे रहा हूँ, ये शऊर दे रहा हूँ, तो इसको खुद भी कुछ काम में ले आओ, गाइडलाइन मैंने आपको मेम दे दिया है, बाकी तुम खुद जो है अपने अकल और शऊर से काम लेकर आगे बढ़ो, इस कायनात को तस्खीर करो और इस कायनात को इस तरह बनाओ कि जिस तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बदी की बजाय खैर ही खैर हो, भलाई हो, तमाम मखलूकात की इसमें जो है वो उसके लिए अमन हो, खुशहाली हो। उलमा इकबाल फरमाते हैं गुलाम हम जुज रजाए तू न जोयम, अल्लाह ताला मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी रजा के अलावा और कुछ नहीं चाहता, जिस पर तू राजी होता है मैं उस पर राजी हूँ, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ, बंदा हूँ। गुलाम हम जुज रजाए तू न जोयम, मैं किसी और चीज़ की तलाश बिल्कुल नहीं करता जो तेरी रजा के खिलाफ हो, मैं तेरी रजा ही चाहता हूँ और उसी को ही तलाश करता हूँ, मैं तुम्हारा बंदा हूँ। जुज आ रहा है कि फरमूदी न पोयम, मैं उस रास्ते के अलावा किसी रास्ते के ऊपर सफ़र नहीं करूंगा, उसे तय नहीं करूंगा कि जिसका तुमने फरमाया मैं उसी पे चलूंगा, जिस पे ना जाने का तुमने फरमाया उस पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, किसी तरह जिस रास्ते से तूने मना किया है मैं उस रास्ते पर कभी नहीं जाऊँगा, यानी कुफर से अल्लाह ने मना किया, तो इकबाल कहता है मैं तो उस पर नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि तूने उसका फरमाया नहीं है, मैं उसी रास्ते पर चलूंगा जिसका तूने फरमाया है। वलाकिन गरबा नादा बगोई, गरबा नादा बगोई खरे रा अस्प ताजी गो नगोयम, लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे, अगर कोई शख्स मुझे ये कहे कि आप नादानी में ये कह दें, एक गधा है उसको आप घोड़ा कह दें, तो मैं घोड़ा को घोड़ा ही कहूँगा, गधे को गधा ही कहूँगा, क्योंकि गधा गधा है, घोड़ा घोड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक ज़रा अदना है, एक आला है, तो मैं नेकी को नेकी ही कहूँगा,
बुराई को मैं बुराई ही कहूंगा। तो इस तरह अगर कोई मुझे नादान होकर मुकल्लद मुझे बनाने की कोशिश करेगा, यानी दीन के ऊपर भी मुझे सरासर तकलीद के लिए ही मुझे कहेगा कि बिल्कुल आप इस चीज़ की तकलीद करते रहे, तो इस तरह की तकलीद मैं दीन में अपने लिए वो नहीं समझता कि मैं महज मुकल्लद बनकर रह जाऊं, कि मैं जाना जी गधे को घोड़ा ही कहूं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो गधा गधा ही है, घोड़ा घोड़ा ही है। जो मुझे अकल कहेगी कि अगर कोई नादान मुझे ये कहे कि गधा जो है वो घोड़ा है, तो मैं बिल्कुल उसे घोड़ा नहीं कहूँगा। यानी इकबाल यहाँ पे तकलीद के हवाले से बात कर रहे हैं कि हमारे जो जौहरन जी जो हमारे रहबर हैं, यानी अकली और फलसफी और मजहबी हवाले से, अगर वो इस किस्म का दर्स दे कि तुम महज तकलीद के बंदे बन जाओ, तो मेरी तकलीद से अलावा मैं अपने अकल को भी बुरुएकार लाऊंगा और उसको भी अपने सोच के ऊपर परखूंगा और फिर उसको सही समझकर मैं आगे बढ़ूंगा। महज उनके फतवे के ऊपर ही चलकर मैं अपनी जिंदगी को गुजारने का रवादार नहीं, लेकिन हरे अस्पताजी को नगोयब, ये मुमकिन नहीं है। और इस तरह उसने एक और जगह पे ये इंसान के अख्तियार की बात की है, यानी एक हर खैर है, एक शर है, एक जबर है, एक अख्तियार है। तो इंसान के अख्तियार के पहलू को अगर तकलीद नफी कर रही हो, तो इकबाल उस तकलीद से जो है वो बेजार नजर आते हैं और अपनी अकल को, अपने शऊर को बुरुएकार लाने का वो अपना जो है ना जी हक महफूज रखते हैं और उसे रखना भी चाहिए। सहर में गुफ्त बुलबुल बाग बारा। अब ये और बात बता रहा है कि इस कायनात में क्या है, शरी शर है या खैरी खैर है। सहर में गुफ्त बुलबुल बाग बारा, सुबह के वक्त बुलबुल ने बागबान से कहा, सुबह के वक्त बुलबुल ने माली से कहा, दरी गिल जुज निहाल गम नगीरत। ये जो मिट्टी है बागबान की मिट्टी, ये बाग की जो मिट्टी है, गुलिस्तान की जो मिट्टी है, इसमें सिवाय गम के पौधों के और कोई पौधा यहाँ पे नहीं उगता, सिवाय गम के पौधों के और कोई नहीं उगता। तो बुलबुल तो बेचारा नाला और फरियाद करता रहता है, फूल उसे नहीं मिलता, फूल से उसे भगाया जाता है, बुलबुल को बाग में सैर करने की इजाज़त नहीं। अगर वो करता है तो फिर भी माली उसे वहाँ से उड़ा देते हैं कि फूलों को नुकसान ना पहुँचाएं और फसलों को नुकसान ना पहुँचाएं, परिंदों को भगाया जाता है। तो बुलबुल कहता है इस मिट्टी से जो कुछ भी उगता है सिवाय गम के पौधों के और कुछ नहीं उगता। यानी बुलबुल को भी आजादाना कोई घूमने नहीं देता, वो भी बेचारा शिकार होकर रह जाता है और उसे उड़ा दिया जाता है वहां से। तो ये कहता है बुलबुल, बपीरी मेरे साथ खारे बयाबा। अब देखो बुलबुल एक मिसाल पेश कर रहा है कि बयाबान में जो खार उग रहा होता है, कांटा उग रहा होता है, वो बयाबान के बबोल, वो बयाबान के छगिर्द अगर वो बूढ़े भी हो जाए तो वो कांटे बूढ़े भी सूखे हुए भी जिंदा रहते हैं। भले गुल तू जवान गर्दत बमीरत, लेकिन फूल जो है जो ही जवान हो जाता है उसके बाद बेचारा मुरझाना शुरू हो जाता है। यानी मुसर्रत खुशी खैर थोड़ी देर के लिए है और उसके बाद वो खैर आंखों से ओझल हो जाता है, मिट जाता है, जबकि शर अगर कांटा बूढ़ा भी हो जाए तो फिर भी कांटा ही रहता है, पाँव को वो जख्मी कर सकता है, हाथों को वो जख्मी कर सकता है, वो चुभ सकता है। तो इस तरह उसकी ज़िंदगी तवील है फूल से, फूल की ज़िंदगी उससे मुख्तसर है। उलमा इकबाल सिर्फ इसी तरह यहाँ पे ख़त्म नहीं करते इस बात को, वो कहते हैं कि ये अगरचे यहाँ पे शर भी मौजूद है, खैर भी मौजूद है, और इंसान को अपने अकल को भी बरुएकार लाना चाहिए और शर की कुवतों के ऊपर गलबा हासिल करना चाहिए, लेकिन जो लोग शर की कुवतों के ऊपर गलबा हासिल नहीं करते और हाथ पांव बांध कर बैठ जाते हैं, वो या तो खानगाहों के सूफी हैं या वो कलीसाओं के राहिब हैं। तो ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, इस्लाम में गोशा नशीनी नहीं है, इस्लाम में मुजाहदाना जिंदगी है। खुलफा राशिदीन को देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, वो हर वक्त
जो है वो तलवार और असलाह के साथ तैयार रहते थे और जंगे ही जंगे वो कर रहे थे, यानी वो बातल के खिलाफ, शर के खिलाफ वो बरसरे पैकार थे, यानी शुरू से लेके आखिर तक जो इस्लाम का वहाँ पे बोलबाला हुआ, तो उसके बाद वो अल्लाह ताला की दीन की खातिर हर वक्त असलाह बंद और कमर बस्ता रहते थे, किसी गजबे के ऊपर, किसी जंग के ऊपर, किसी मुहिम के ऊपर, लोगों को इंसाफ दिलाने के हवाले से, लोगों के फैसले करने के हवाले से हर वक्त वो मुतहरक थे। वो गोशा नशी होकर बैठ नहीं गए, एक मस्जिद का कोना पकड़ लिया, वहां जाके बैठ गए और अल्लाह अल्लाह करते रहे, सुबह शाम जिक्र में लगे रहे कि अल्लाह को खुश कर रहे। उन्होंने अमली तौर पर अल्लाह ताला के निज़ाम को इस कायनात में नाफज करने की कोशिश की और मुजाहदाना जिंदगी गुजारी और एक मिसाल के तौर पर हमारे सामने अपनी जिंदगी को उन्होंने छोड़ा। वाला कहता है, इकबाल फरमाते हैं, मुजाहदाना हरारत रही ना सूफी में, बहाना बे अमली का बनी शराब अलस। अब सूफी जो है वो बैठ गया है खानगाहों के गोशा नशीन बन गया है, और वो जनाब ये बाहर नहीं निकलते, जहाद के लिए नहीं आते, और जाना जी दीन को गालिब करने के लिए उनकी काविशें अल्लामा इकबाल के नज़दीक तसली बख्श नहीं। उनको अल्लाह ताला ने इससे ज़्यादा सलाहियतें दी है, अगर वो अपनी सलाहियतों को भरपूर जो है इस्तेमाल करे तो वो दीन की खातिर बहुत कुछ कर सकते हैं। फकीह शहर भी रहबानियत पे है मजबूर, कि मार के हैं शरीयत के जंग दस्त बदस्त। और जो शहर का बड़ा फकीह है, बड़ा आलिम है, उसका कोतवाल है या जो हुक्मरान है, वो भी रहबानियत के ऊपर जो है अब तकिया करके बैठ गया है, गोशा नशीन बन गया है, यानी जिहाद और कोशिश और दीन इस्लाम की गलबे के लिए मुसलसल जो है ना जी जद्दोजहद, उसको भी तर्क कर दिया गया। अल्लामा इकबाल के ज़माने में जब ये शेर कहे गए तो हिंदुस्तान की यही सूरत हाल थी कि मुसलमान अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बनकर रह गए थे, और किसी तरफ से कोई थोड़ी बहुत सैयद उमर शहीद की तरफ से जाना जी जिस तरह के उन्होंने तहरीकें कुछ चलाई थी, या शाह वलीउल्लाह ने पहले कुछ चलाई थी और जनाबे वाला या टीपू सुल्तान वगैरह या सिराजुद्दौला या हमारे मेहराब खान जो बलूचिस्तान के थे अमीर, या सिंध के अमीरान तालपुर, इसके अलावा तो खामोशी थी। बादशाह राजी हो गया था खुद अंग्रेज़ों की गुलामी के ऊपर, और तमाम ये पंजाब का इलाका सिखों के ज़ेर नगी था, सरहद का इलाका सिखों के ज़ेर नगी हो चुका था, तो किसी तरफ भी मुसलमानों की वक़ार के बहाली के लिए आवाज़ें खामोश हो चुकी थी। कैद आज़म ने आके, सर सैद ने, अहमद ख़ान ने आके, और फिर दूसरे मुस्लिम जोबा ने आके कुछ तहरीक पैदा की तो पाकिस्तान का टुकड़ा अलग हुआ, लेकिन ये अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के बाद ही हुआ। तो अल्लामा इकबाल दरअसल इस बेअमली की ज़िंदगी से मुसलमानों को मुतारिफ करना चाहते थे। बेअमली की ज़िंदगी अल्लामा इकबाल के नज़दीक शर है, बेअमली की बग़ैर जद्दोजहद की ज़िंदगी अल्लामा इकबाल के नज़दीक शर को पनपने का मौका देने के मुतरादिफ है। तो वो कहते हैं कि इस तरह लाहबानियत की ज़िंदगी या गोशा नशीनी की ज़िंदगी से शर ख़त्म नहीं होता, शर की कुवतें और फलती और बढ़ती हैं। तो हर मुसलमान, ये सिर्फ सूफी के ऊपर बात नहीं है, ये सिर्फ फकीह शहर के ऊपर बात नहीं है, अल्लामा इकबाल का मकसद हर अमतुल मुसलमीन के जो है ना जी हर शख्स है, खा वो दुकानदार है, खा वो कोचवान है, खा रेड़ी बान है, खा ड्राइवर है, पायलट है, जज है, जर्नेल है, जनाब पुलिस है, पटवारी है, उस्ताद है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी जिस जगह पर मुसलमान है, तो उसको खैर के लिए कोशिश करनी चाहिए, शर की कुवतों के खिलाफ डट जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शर की कुवतें बढ़ती जा रही हैं, रिश्वत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, जनाब लूटमार दिन ब दिन बढ़ रही है, डाके दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जनाबे वाला मिलावट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोग जो है ना जी इंसाफ के लिए तरस रहे होते हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब यह है कि शर की कुवतें बढ़ रही हैं, खैर की कुवतें कम हो रही हैं, और खैर के सामने सीने से पर होने वाले लोग पीछे गोशा नशीन बन गए, खामोशी उन्होंने चुप साध ली, और इस तरह शर की कुवत का हौसला बढ़ गया और वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अपनी हैसियत को बढ़ा रहा है, और खैर जो है वो बेचारा दुबक कर रह गया। तो अल्लामा इकबाल ये तमाम मुसलमानों से उनका ये खिताब है, अगरचे इस तारा तन उसने फकीह शहर का नाम लिया और सूफी का नाम लिया,
लेकिन यह खिताब सब मुसलमानों से है, तो हर एक की अपने अपनी जगह पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो शर के लिए, शर के जो है ना जी खिलाफ सीना सपर रहे और खैर के लिए वो आवाज बुलंद करे। मैं कुछ अरसा पेशतर असातजा को पढ़ाता था, पहली पहली दफा जो है कुछ असातजा भर्ती हुए और उनकी ट्रेनिंग मेरे जिम्मे थी, तो मैंने उन्हें यह कहा कि खजाना दफ्तर में आप लोग अपनी तनख्वाह के लिए रिश्वत ना देना। उन्होंने कहा क्लास में चूंकि उस्ताद होता है तो वो मान जाते हैं, बाद में वो अपनी मर्जी करते हैं। तो अच्छी खासी तादाद थी, 60-70 के करीब तलबा थे, तो उनमें से बाद में ये पता चला कि सिर्फ 3 लड़के ऐसे थे उस्ताद जिन्होंने रिश्वत नहीं दी, बाकी उन्हें रिश्वत दे के अपनी तनख्वाह पास करा ली। अब क्या है ये, इसका मतलब है शर के सामने सर झुकाने की, सर झुकाने वाली आदत है, ये सर झुकाने वाला रवैया है, वो सीना सपर नहीं हुए। 3 आदमी सीना सपर हुए, उनको 3 महीने बाद जाके तनख्वाह मिली, लेकिन मिली सही बगैर रिश्वत के। अब देखें सिर्फ 70 आदमी से अगर 3 आदमी खड़े हो जाते हैं तो 67 आदमी 67 आदमी सर झुका लेते हैं, तो इसका मतलब है मुआशरे में जो है वो तकरीबन 5% लोग हैं जो रजिस्ट कर रहे हैं और बाकी जो है 95% वो शर के सामने झुक जाते हैं फौरी तौर पर। तो ये अलामा इकबाल इस चीज़ को मोमिन की शान के जो है वो खिलाफ गर्दानते हैं, तो इससे इंसान की खुदी मुस्तहकम नहीं होती। इकबाल कहते हैं कि खुदी को मुस्तहकम करो, खुदा को पहचानो, खुदा के रसूल को पहचानो, अपनी शान को, वकार को पहचानो, नेकी और बदी में फर्क को पहचानो। तो अब अगर फर्क को तुम पहचान लोगे तो फिर तुम नेकी का अगर खैर का साथ दोगे तो इस दुनिया में भी तुम सुरखुरू रहोगे, आइंदा आने वाली दुनिया में भी सुरखुरू रहोगे। तो जाना जी कुरान में भी यही बात कही गई कि बिल आखिर हक जो है वो गालिब रहता है, बातिल मिट जाता है, शर ने मिट ही जाना है, लेकिन इसके लिए जदोजहद शर्त है। वजाल हक्का वजाहतल बातिला इनल बातिला काना जहूका, बेशक हक आया है बातिल मिट गया है, और बातिल मिटने वाली ही चीज है, शर मिटने वाली ही चीज है, शैतान ने मिट जाना है, हक ने बाकी रहना है, अल्लाह तला ने बाकी जाना जी वो रहना है। तो सच्चाई नहीं बाकी रहना, और सच्चाई को कौन बुलंद करेगा, सच्चाई की आवाज को, उसके हाथ को कौन बुलंद करेगा, ये इंसानों नहीं करना है। तो इस तरह ये अलामा इकबाल खैर और शर के बारे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। शैतान इंसान की इम्तिहान के लिए है, और इंसान को उस इम्तिहान में शैतान को शिकस्त देकर अल्लाह ताला की तरफ सुरखुरू होकर निकलना है। मजी अंदर जहाने को रौके जज्दान दारत हो शैतान दारत। अलामा इकबाल ऐसी कायनात को भी पसंद नहीं करता कि जहाँ पर शर न हो, सिर्फ खैर ही खैर हो। खैर ही खैर तो फरिश्तों के वक्त भी था, और इंसान को पैदा इसलिए किया गया, शैतान को इसलिए आज़ादी दी गई कि इंसान की सलाहियतों को रखा जाए कि वो जज्बा की तरह होते हैं, अल्लाह की तरह होते हैं, या शैतान के साथ खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें बचाए शैतान से और नेक अमाल की तौफीक अता करे, और शर के जो एनर्जी मिटाने की तौफीक अता करे, और खैर को फैलाने की और खैर के साथ मुस्तकिल और मुस्तहकम रहने की तौफीक अता फरमाए। वमालना इल्ला अल-बलाग। अगर किसी का सवाल हो तो वो पूछ सकता है, वरना लेक्चर एंड करते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।